हेलो दोस्तों, तो आई एम तरुण फ्रॉम ट्रेडर्स पावर हाउस। और मैं आपको इस वीडियो में क्या है, मैं ये वीडियो जो है ना आपको रील्स के माध्यम से भी इंट्रोड्यूस करवा सकता था, बट मैंने ये सोचा कि इसे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि चीज़ें जो है मैं आपको थोड़ा लंबे समय तक के बता सकूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने फंडेड अकाउंट के बारे में बताऊँगा और अपनी अचीवमेंट के बारे में बताऊँगा। और वो मैं आपको इसीलिए बताऊंगा क्योंकि आपको मैं इस अकाउंट के बारे में रेगुलर अपडेट जो है अपने इंस्टाग्राम जो कि ट्रेडर्स पावर हाउस के नाम से, उसमें मैं रेगुलर अपडेट जो है आपको अकाउंट के बारे में देते जा रहा था। मैंने फेज़ वन किया, क्लियर किया तो भी मैंने रेगुलर अपडेट ही दिया। सेकेंड फेज़ क्लियर किया तो भी अपडेटेड रखा आप लोगों को, और जब मैंने लाइव ले लिया तो भी अपडेटेड रखा। अब फंडिंग पे इसमें एक बढ़िया चीज़ यही है कि आपको हर वीक विड्रॉल मिलता है, तो अब मैं पहले वीक के विड्रॉल में हूँ, जो मैं आप लोगों को जो मैं अकाउंट दिखा रहा था। तो पहला वीक मेरा हो गया है और कुछ मैंने प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया, तो मैं आप लोगों को उस बारे में बताऊँगा, ठीक है। और रही बात आपके क्वेश्चंस की, तो आपको जो भी क्वेश्चंस होगा आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं जब अगला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ तब मैं आपको उसमें हर चीज़ के बारे में बताऊँ। और मेरे बैकग्राउंड को अवॉइड करिएगा क्योंकि फ़िलहाल मैं अपने डिफरेंट वर्क प्लेस में हूँ, तो इसी वजह से। अब चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, और सीधा मैं आपके सामने हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखूँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो अनकट हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा मोबाइल, और यस ये मेरा लॉग भी देख लो, कभी अगर मोबाइल चोरी हो तो, ठीक है। तो देखिए, ये मैं खोलता हूँ क्रोम। आज है महाशिवरात्रि का दिन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को हर चीज़ बार बताना बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा आईडी पासवर्ड सेव है तो मैंने इसमें क्लिक किया। अब ये जो है ये मेरा मास्टर अकाउंट खुल गया, ठीक है, जिसे लाइव अकाउंट बोलते हैं। और मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, ये होम, ओके। तो अगर आप कोई भी चैलेंज लेते हैं ना, किसी भी प्रोफॉर्म का लेते हैं, तो उसमें आपको कॉम्पिटिशन्स अकाउंट जो है वो फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने इसमें लॉग इन किया था फंडिंग पेप्स में, तो मुझे ये मैंने कॉम्पिटिशन अकाउंट लिया था। देखेंगे आप, ये कॉम्पिटिशन लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे मैंने ट्रेड नहीं किया। उसके बाद में फिर मैंने एक चैलेंज लिया, ये उसका फेज़ वन है जो कि पास्ट। ये फिर देखिए, आप अगर इसके पीछे नीचे देखेंगे तो इसके नीचे कोई भी अकाउंट नहीं है, इट मीन्स ये मेरा कॉम्पिटिशन अकाउंट पहला अकाउंट था। उसके बाद में मैंने एक चैलेंज लिया जिसका फेज़ वन पास, सेकंड फेज़ पास, और ये उसका लाइव अकाउंट है जो कि अभी भी ये मेरा पर्सनल है, इसे मैं आपकी इसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर नहीं करूँगा। और फिर ये मैंने दूसरा अकाउंट आप लोगों के लिए लिया, आप लोगों के सामने चीज़ें क्लियर करने और दिखाने। 10 दिन में मैंने जो है फेज़ वन पास कर लिया 19 ट्रेड के साथ। फेज़ टू में जो है मैंने 6 दिन लगाए, 13 ट्रेड के साथ पास कर लिया। और ये 6 दिन में मैंने कुछ 35 ट्रेड करी है क्योंकि लाइव अकाउंट था और लाइव अकाउंट में चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये सब इसमें मैंने जो है 1-1% का रिस्क लिया था, और थोड़ा लाइव अकाउंट को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब हम चलते हैं इसके डैशबोर्ड में। ये जो है मेरा मास्टर अकाउंट है, जो चैलेंज मैं आप लोगों को दिखा रहा था, इसमें आप देखेंगे प्रॉफिट जो है 3.17% जो है मैंने जनरेट कर लिया है। तो इसे हम मानते हैं 3% ही मैंने जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब ये 3% एक वीक में बहुत होता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की बात करी जाए तो एक वीक में 3% बहुत हाई जो है ना रिवॉर्ड है। लोग जो हैं वीक का 1% में ही खुश हैं, पर हमने 3% बना लिया है, तो हम घमंड नहीं करते, सब बाबा महाकाल की कृपा है। और आप देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, ये विन रेट कुछ 68% का है। मैं बोल रहा हूँ क्या है कि लाइव अकाउंट में चीज़ें डिफरेंट होती है, उसको डिफरेंट तरीके से ट्रेड करना पड़ता है, ताकि आपको जो है, देखिए इसमें हाईएस्ट विन जो है मेरा $102 का है, और जो हाईएस्ट लॉस है मेरा वो $80 समथिंग का है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुछ मैंने 6 दिन लगातार ट्रेड किया है और ऑलमोस्ट हर ही दिन प्रॉफिटेबल रहा हूँ, तो चलिए ठीक है। अब ये रही बात इसकी, अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसका हम जब विड्रॉल लेंगे तो फिर कैसे क्या चीज़ें रहेगी। तो ये मैं इसमें क्लिक किया हूँ और ये पे आउट सेक्शन में जाता हूँ। ये पे आउट सेक्शन में जाने के बाद ये रिक्वेस्ट पेमेंट में क्लिक करूँगा मैं। वीडियो अनकट रहेगा इसके लिए सॉरी। मैं चीज़ें ये
ठीक है, ये बैलेंस। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट शुड बी लेस देन और इक्वल। अब यहाँ पर जो है मैं $300 का जो है मैं विड्रॉल डाल रहा हूँ। ये 300 अभी मैं प्रोसेस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो एग्जैक्ट जो 7 दिन का टाइम है ना वीक का, वो रात को 2 बजे करीब जो है वो होगा। और इसमें आप देखेंगे $316 मेरा टोटल प्रॉफिट है, और $316 में मैंने अमाउंट की रिक्वेस्ट डाली है $300, जिसमें से $80 जो है मुझे मिलेगा और 80% मुझे मिलेगा, और 20% जो है प्रॉफिट स्प्लिट वो कंपनी रख लेगी। तो मुझे 80% मिलेगा, इट मीन्स $240 मिलेंगे और कंपनी रख लेगी तो $60। ठीक है, तो ऐसा करके तो ये रहा। मैंने अभी आपको क्या है इसीलिए चीज़ें बताई है ताकि चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर रहे। ठीक है, अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो कोशिश करूंगा मैं आपको कि आपके क्वेश्चन जो रहे हैं वो अगले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करूं और उस क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊं। और रही बात जो मैं वीडियो जो मैं जिस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ के पीछे पागल होते हो ना, तो ट्रेडिंग से पहले मैं ब्लॉगिंग के पीछे पागल हो चुका हूँ और उसमें ही मैंने सक्सेस अचीव कर ली थी। चैनल मोनेटाइज था और कुछ $7-8 मेरे बन भी गए थे, पर उसके बाद में जो है मुझे फिर ट्रेडिंग का कीड़ा काटा और फिर मैं 2-3 साल से इसी में लगा हुआ हूँ। और चीज़ें अच्छी बेहतर धीरे धीरे होती जा रही है। तो बस आज के वीडियो को यहीं तक के रखते हैं, और सिर्फ यूट्यूब में से अपलोड करने का मकसद यही है क्योंकि मैं रील्स में आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था, इसीलिए। तो जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस रहेंगे वो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर हम पर्टिकुलर वीडियो बनाते चलेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पर भी अप टू डेट रहूँ जैसे मैं इंस्टाग्राम में हूँ। ओके, तो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जो भी बड़ी जानकारी रहेगी वो हम यहीं पर शेयर किया करेंगे। थैंक यू।